हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में कैसे आपकी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो या कोई भी वॉच फेस जो आपको पसंद है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपको कैसे लगाना है। तो आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने वाईफाई ऑन कर दिया, आप नेट भी ऑन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर देना है फ़ोन में पहले, और उसके बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ सर्च करना है हाई वॉच प्रो। तो इस ऐप का नाम हाई वॉच प्रो है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि एक और ऐप है जिसका नाम सिर्फ हाई वॉच है। तो कंफ्यूज मत होना, उसका लोगो कुछ ऐसा रहेगा। तो आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लिया क्योंकि T800 अल्ट्रा में अगर आपको वॉच फेस लगाना है तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको नोटिफिकेशंस को अलाउ करना है। तो यहाँ इसे मैं नोटिफिकेशंस को अलाउ कर दूंगा और ये सब चीज़ों को एग्री कर दूंगा। तो अब देखोगे तो हाई वॉच ऐप अभी खुल रहा है। तो यहाँ से आपको इसको एग्री कर लेना है और लोकेशन को वाइल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे तो ऐप का आपको होम पेज कुछ ऐसा देखने मिलेगा। तो होम पेज में आप देख सकते हो, अब सेट में जाना है और आपको, आप देख सकते हो होम पेज में आपको स्टेप्स दिख जाएंगे, हार्ट रेट, स्लीपिंग, ये सब दिख जाएगा। सेट में आपके डिवाइस से रिलेटेड पूरे फीचर्स होंगे और यहाँ वर्कआउट से रिलेटेड होगी। माइंड में आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो वॉच को। तो वॉच को आपको फाइंड करना है इधर। अगर वॉच फाइंड ना हो तो उसका डिस्प्ले ऑन ऑफ करना है। T800 अल्ट्रा लिख के आ चुका है, तो अब मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो रहा है। फर्स्ट फीचर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी कंप्लीट। ओके, वॉच कनेक्ट हो चुकी है अब ऐप से। तो जैसे ही आप वॉच को ऐप से कनेक्ट करोगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वॉच की सेटिंग्स पूरी चेंज हो जाती है। तो अभी यहाँ लिख के आ चुका है T800 अल्ट्रा, इसका मतलब वॉच पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। आप वॉच को फाइंड कर सकते हो यहाँ से। तो वॉच फाइंड हो चुकी है, इसमें कई सारे फीचर्स है इस ऐप में। तो मैंने इस ऐप पे भी एक वीडियो बनाई है गाइस, प्लीज़ मेरा चैनल विजिट करो। और मैंने वॉच पे प्लेलिस्ट भी बनाई है, उस पर हर एक वीडियो है कि इस वॉच में आप पूरे फीचर्स कैसे गेट कर सकते हो, कॉलिंग कैसे कर सकते हो, व्हाट्सअप के मैसेजेस और भी काफ़ी कुछ। तो आप वो प्लेलिस्ट को प्लीज़ एक बार देख लेना। तो अब आपको यहाँ देखना है कि आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा डायल सेटिंग्स। तो आपको डायल सेटिंग्स वाला ऑप्शन में जाना है, पर डायल सेटिंग्स वाले ऑप्शन के लिए ही नेट लगता है। अगर आपने नेट ऑन नहीं किया तो डायल सेटिंग्स लोड नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि सारे वॉलपेपर्स यहाँ लोड हो रहे हैं अभी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरे वॉलपेपर्स लोड हो चुके हैं। अब आप वॉच में से कोई भी एक वॉच फेस लगा अब आप यहाँ से कोई एक वॉच फेस लगा सकते हो। तो अगर आपको इसमें से कोई भी फ़ोटो पसंद आई, जैसे कि मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ से अगर आपको कोई भी एक फ़ोटो अच्छी लगी तो आप लगा सकते हो इसमें। तो मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। तो बस अभी ये लोड हो रहा है, क्योंकि जब ये लोड होगा इसका मतलब ये डाउनलोड हो रहा है अभी। तो लोडिंग लेने का मतलब है कि डाउनलोड हो रहा है ऑनलाइन। तो अभी डाउनलोड होगा, फिर यहाँ गॉट इट पे आपको क्लिक करना है। गॉट इट इसलिए क्योंकि अगर आपने जब वॉच फेस अपलोड हो रहा है उसके बीच में अगर वॉच को छेड़ दिया तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, ऐसे आपकी वॉच ख़राब हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वॉच आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़नी है। अभी ये फ़ोन का वॉलपेपर डाउनलोड हो रहा है। अब मैं आपको कस्टम वॉच फेस भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो फोटो लोड हो चुकी है और वॉच रिस्टार्ट होगी। वॉच रिस्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि फ़ोटो बिल्कुल HD में अपलोड हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा कि आप अपनी खुद की फ़ोटोज़ कैसे लगाओगे। तो खुद की फ़ोटोज़ के लिए आप देखोगे तो यहाँ कोई भी कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन नहीं है। तो आपको लास्ट डायल में जाना है जिसका नाम ही कस्टम डायल। अब कस्टम डायल में आप जाओगे तो यहाँ आपको कई सारे वॉच फेसेस मिलेंगे जो कि डाउनलोड करने के लिए ही है, खुद की फ़ोटो लगाने वाली नहीं है। तो आप देखोगे तो यहाँ आपको कई सारी फ़ोटोज़ मिल जाती है जो कि आप अपलोड कर सकते हो अपनी वॉच में। पर अब मैं आपको मेन फीचर दिखाता हूँ कि आप कैसी फ़ोटोज़ लगाओगे। तो आपको कोई भी वॉच फेस पर क्लिक करना है खुद की फ़ोटो के लिए। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दिखेगी जो फ़ोटो आपने क्लिक किया है। जैसे कि ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया है तो इस पर आपको ये फ़ोटो दिखेगी। आप ये फोटो अगर लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट इंस्टॉल पर क्लिक करना, और नहीं लगाना चाहते हो तो सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना। सिलेक्ट इमेज पर जैसे क्लिक करोगे गैलरी ओपन होगी। तो यहाँ गैलरी ओपन हो चुकी है, अब मैं कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं ये वाली फ़ोटो पर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं सेट पर क्लिक करूँगा। तो अब आप क्लॉक को सेट कर सकते हो, क्लॉक अगर आपको ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए।
या राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए। तो मैं इसको यहाँ सेट कर रहा हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये फोटो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी आपकी वॉच में। अब ये कस्टम वॉच फेस है जो आपके फोन में इंस्टॉल वॉच में इंस्टॉल हो रहा है। तो फोटो सेट हो ही चुकी है, अब वॉच वापस रीस्टार्ट होगी। तो वॉच रीस्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि फोटो बिल्कुल HD में आ गई है। तो आप ऐसी अपनी T800 अल्ट्रा में वॉच फेसेस लगा सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।